Good morning, children. How are you? Fine? Good. और बहुत enjoy कर रहे vacations है ना? अब तो आपकी study भी start हो गई है. Yes or no? घर में सब study कर रहे हैं mobile में मैम के साथ. अच्छा चलो आज हम return work करेंगे. पहले मैं आपको आपकी books बता दूँ. ये है right writer की आपकी English की capital और ऐसी ही same आपकी एक है दूसरी book right writer की स्मॉल बुक. कौन सी है ये? स्मॉल. ये दोनों बुक हैं और आपको ये इंग्लिश की बुक्स है. उसी तरह आपको इंग्लिश की ऐसी स्मॉल नोटबुक परचेस करनी है जिसमें मैडम जो भी लिखाएगी आपको उसमें लिखना है. ठीक है, समझ में आया सबको? आपकी मम्मा को बोलना ऐसी नोटबुक छोटी ला के दे जो मैम ब्लैक बोर्ड में लिखेगी वही आपको इसमें लिखना है. ठीक है, चलो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे पैटर्न से. आप सबको याद है पैटर्न की नहीं? याद है? देखो तो आपको ये बुक में ऐसे ही करना है. यहाँ पे मम्मा को लिख देना है पैटर्न. जैसे मैम ने लिखा है पैटर्न ऐसे आपको यहाँ पे पैटर्न लिखना है. यहाँ पे मैम जो लाइन चलाएंगी वो करना है और वही सेम आपको होमवर्क में भी करना है. ठीक है, समझ में आया सबको? चलो पहले पैटर्न करेंगे. पहली पैटर्न होती है स्टैंडिंग लाइन. कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन. ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. लेकिन जो मैडम यहाँ पैटर्न ड्रॉ करेगी आपको वही पैटर्न ड्रॉ करनी है. ठीक है, पहले होती है आपकी बुक में देखो कौन सी लाइन्स होती है. पहले यहाँ पे होती है रेड लाइन. कौन सी लाइन होती है? नीचे की रेड लाइन को टच करना नहीं है. तो आपको कैसे करना है?
के अंदर कॉलम्स भी बने हुए हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे कॉलम्स बने हुए। अब आपको करनी है स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग मतलब सोना, जब हम सोते थे ऐसे लंबे सो जाते हैं, उसी तरह जैसे ये डस्टर सीधा है तो ये कैसा है, स्टैंडिंग। अब हम इसे ऐसे टेढ़ा करेंगे, डस्टर भी सो गया तो सो जाते, उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। तो आप ये हमें कौन सी लाइन करनी है, स्लीपिंग लाइन। समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसे डॉट्स करके देंगे, क्या करेंगे, और ये हम थ्री लाइन भी कर सकते हैं, रेड ब्लू ब्लू, या तो खाली ब्लू में भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम अभी सिर्फ ब्लू में करेंगे। कहाँ करेंगे, ब्लू में करेंगे, कहाँ करेंगे, ब्लू में, क्या करेंगे, ब्लू लाइन कौन सी लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन, बोलो स्लीपिंग लाइन, ठीक है, ऐसे करेंगे, ब्लू से ब्लू, ब्लू से ब्लू में करेंगे। सेंटर की मिडल जो ब्लू लाइन है उसे आपको ब्लू लाइन में ही टच करना है, कोई भी लाइन से बाहर करेगा नहीं, और डॉट सीधे ही करने हैं, आपको पेंसिल उठानी नहीं है जब तक आपके डॉट ज्वाइंट होता नहीं, आपको पेंसिल उठानी नहीं है। देखो आपको क्या करते हो, ऐसे आपकी लाइन्स होती है, तो ये लाइन है, आप ये जैसे डॉट करके दिए आपको, ये स्टैंडिंग का डॉट है, तो आप लोग कैसे डॉट करते हो, ऐसे करते, इज दिस अ स्टैंडिंग लाइन है कि नहीं, नहीं ना, तो आपको क्या करना है, जब डॉट किया तो आपको अप से डाउन करना है, ओके। उसी तरह स्लीपिंग में आपको ऐसे स्लीपिंग लाइन बनानी है, ऐसे अगर आपको डॉट दिया है तो आपको ये स्लीपिंग लाइन नहीं है, ये लाइन से नीचे चला गया है, बिलो द ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के नीचे है, तो आपको उसको करना नहीं, आपको कहाँ करना है, डॉट जहाँ दिया है उसी के ऊपर ही करना है, कहाँ करना है, जहाँ डॉट है उसके ऊपर ही आपको ब्लू लाइन बनानी है, समझ में आया। अब उसके बाद कौन सी लाइन आती है, स्लैंटिंग लाइन, कौन सी लाइन आती है, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन क्या होता है, जब बारिश की बूंदें आती है, बारिश की भी ऐसी गिरती है ना आपके घर में, आपने देखा है बैठक के, उसे स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। स्लैंटिंग लाइन टू तरह से लिखी जाती है, उसी कौन सी लाइन है, रेड ब्लू ब्लू अगेन रेड, या कि उसमें लाइन ड्रॉ कर दिया आपको करनी नहीं है, कैसे बॉक्स में 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसी तरह से भी स्लैंटिंग स्लैंटिंग लाइन होगी, स्लैंटिंग लाइन टू तरह से होती है, आपको ये सब आपस नेक्स्ट पेज में भी लिखना है, टू टाइम लिखना है, ओके, वन पेज मैम के साथ और वन पेज होमवर्क में। अभी स्लैंटिंग लाइन कैसे होती है, एक होती है डाउन से अप, नीचे से ऊपर जाते, उसे बोलते हैं डाउन से अप, एक स्लैंटिंग लाइन आपको करनी है डाउन से अप, यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट, कैसे करनी, स्लैंटिंग लाइन, क्या करना है, डाउन से अप स्लैंटिंग लाइन, डाउन से अप स्लैंटिंग लाइन, समझना है सबको, नीचे से ऊपर जाना है, डाउन से अप, डाउन से अप, डाउन से अप, ऐसे जाना है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं उसे अप से डाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप से डाउन, ये दो तरह से स्लैंटिंग लाइन बनती है, डाउन से अप एंड अप से डाउन, ठीक है, जब आप ये रहेगा अप से डाउन, ठीक है, जब आप ए लिखोगे तो ए ऐसे होगा डाउन से
जाता है उसको स्लाइडिंग बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी आपको मैं एक पिक्चर बताती हूँ, हम दोनों आपको ड्रॉ करके देंगे और आप इसमें कलर भी करोगे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, ये फ्रंट फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, ऐसे से पैटर्न्स बनाने हैं। ये वाले पेज में आपको ऐसे पैटर्न्स बनाने हैं और नेक्स्ट वाले पेज में आपकी मम्मा से कहना आपको ड्रॉइंग करके देंगे और आपको उसमें कलर करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे करनी है ड्रॉइंग, कौन सी पिक्चर बनाएंगे स्टैंडिंग स्लिपिंग से, जो हमें लेटर से क्या उसी के ऊपर ड्रॉइंग करेंगे। और आपको पता चल गया आपको क्या करना है, रेड ब्लू ब्लू बॉटम की रेड लाइन को टच करना नहीं है। ठीक है, सब लोग रेड ब्लू और ब्लू में करेंगे, नीचे बॉटम की रेड लाइन को टच करेंगे नहीं। चलो अभी इसमें स्टैंडिंग स्लिपिंग में कौन सी पिक्चर बनाएंगे, एक कॉम्ब होता है जैसे ये बनाया स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और उसी में आपको स्लिपिंग लाइन जाके करेंगे, ये पहले हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे डॉट डॉट।